मैं आप सभी को प्रॉमिस किया था कि ऐसे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाऊंगा जहां पे बहुत कम नंबर लाने पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। 40, 50, 30 नंबर लाने पे भी एडमिशन की पॉसिबिलिटीज होती है। पहली बार यूट्यूब पे कुछ इस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, यानी टॉप टू लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज हम लोग जान सकेंगे। वो बच्चा जो बहुत अच्छा सीयूटी पीजी में मार्क्स लाया उसको कहाँ एडमिशन मिलेगा, और वह बच्चा जो बहुत कम नंबर लाया उसको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। ये तमाम चीजें हम लोग इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बहुत कम लोग ही बनाए होंगे, जिसको बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा, काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होगा, वही ऐसा वीडियो बना सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसे वीडियोज आप जरूर देखो, क्योंकि ये अवेयरनेस वीडियो है। कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोज आपके कट ऑफ को भी क्या करते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेगा ना कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और ये मोरालिटी बेसिस पे आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी की सीटें खाली चली जा रही हैं और कई टॉप यूनिवर्सिटी बच्चे लड़े पड़े हैं और उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो आप जानो, खुद को पहचानो, विश्वविद्यालय की सही पहचान करो और वहां एडमिशन लो। तो आइए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज टॉप टू लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं सीओटी पाठशाला। और मैं चाहूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। लगभग 3 दिन में पूरे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाई गई है और यहाँ पे लिखने में भी आधे घंटे लग गए। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज रेस्पेक्ट में आप लाइक जरूर करें और एक कॉमेंट जरूर करें, ठीक है। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है ये, टॉप मोस्ट, नॉट टॉप, मोस्ट यूनिवर्सिटीज, यानी कि हम लोग टॉप में भी मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ पे देख रहा है। सबको पता है कि जो जेएनयू है वो आज सबसे ज्यादा फेमस, डिमांडिंग है एनवायरमेंट वाइज, स्टडी वाइज। उसकी पॉपुलैरिटी अपने देश में नहीं, पूरे विदेश में है। डीयू और बीएचयू बहुत ज्यादा बच्चों का एडमिशन देता है। भाई बीएचयू तो एशिया का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। पैसे वाइज आप देखो तो कितना अच्छा एनवायरमेंट है। डीयू इतना वर्सेटाइल है, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने ब्रांचेज हैं, मतलब लगभग कहीं ना कहीं देखा जाए 50 से 60% बच्चों का तो एमडीयू अकेले पूरा कर देता है। तो इन कई कारणों से जेएनयू, डीयू, बीएचयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये चार यूनिवर्सिटी अपने आप में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में मैंने लिखा हुआ है। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं कितने नंबर एडमिशन होगा, पहले मैं परिचय करा रहा हूं। यहां पर उन यूनिवर्सिटीज का नाम मैंने लिखा है जो कि टॉप में आते हैं लेकिन सीयूटी में नहीं आते। बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीयूटी में फॉर्म डालना भूल गए होंगे, या सीयूटी में बहुत कम मार्क्स है, अभी डिसाइड हो जाएगा और एडमिशन की पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, तो आप इधर जा सकते हो। जेएमआई सीयूटी में है लेकिन बहुत लिमिटेड कोर्सेज के साथ है। एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसका फॉर्म आने वाला है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज, इसका एग्जाम होने वाला है, फॉर्म इन हो चुका है। ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसका भी एग्जाम होने वाला है। और यह है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा हुआ एलयू और एएमयू। एलयू भी अपना खुद से एग्जाम कराता है और सबसे अच्छी बात है कि एलयू का फॉर्म फिलअप हो रहा है। जो बच्चा भी चाहता है, लखनऊ विश्वविद्यालय, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है यूपी का, और ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहो तो एलयू ज्वाइन कर सकते हो। और एएमयू, एएमयू का एग्जाम मई में है, फॉर्म की डेट इन हो चुकी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया सीयूटी के बदले में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में कितना नंबर लाने पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो टॉप मोस्ट के लिए मैंने बनाया है 70% ऑफ एबव, यानी 300 से, 300 का जो आपका टोटल मार्क्स रहा है, आप उसमें 70% से ज्यादा लाते हो, यानी 210 से ज्यादा लाते हो, तो आपको एडमिशन मिलने की चांसेस रहेंगे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटीज में। उसी मैंने यहां पे और सब टाइटल जोड़ा हुआ है 80% ऑफ द टॉपर्स, क्योंकि भाई कुछ कोर्सेज में टॉपर ही 150 नंबर है। तो टॉपर का 80% से 90% लाने पे आपको ये टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यानी या तो आप 300 में लगभग 80-90% लाए हो, या तो फिर आप टॉपर्स का 80% लाए हो, तब आपको जेएनयू मिल जाएगा। समझ गए? जेएनयू बच्चे रिलैक्स फील कर रहे हो, मार्क्स में भी समझ गए होगे। अब यहां मैंने लिखा हुआ 50% एबव, यानी डीयू और बीएचयू में जाना चाहते हो, हैदराबाद में जाना चाहते हो, तो आप लगभग 150 नंबर से ज्यादा हो। सोच रहे हो कि इतना कम कैसे, क्योंकि भाई ये डीयू जो है अकेले डीयू का एक चेहरा नहीं है, इसके पीछे कम से कम इसके 60 पंख पर ये पर लगे हुए हैं। उसी तरीके से बीएचयू के भी 4 पंखे हैं, बहुत सारे अफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं,
तो इसीलिए मैंने बोला कि इन यूनिवर्सिटीज के पीछे हजारों सीटें वाले और एथलेटिक कॉलेजेस होते हैं, इसीलिए 5% या 50% 50% या इससे ज्यादा या फिर टॉपर्स का 70-80% लाने पे आपको क्या मिलेगा, ये यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। अब अपना मार्क्स देखो और निकालो कि टॉपर कितना था, क्या उसका 80% है, क्या उसका 70% है, तो हमें ये यूनिवर्सिटीज मिल सकती है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लिस्ट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो सेकेंड लिस्ट जो कि टॉप में आती है, लेकिन हम लोगों ने रैंक वाइज, पॉपुलैरिटी वाइज, इन्वायरमेंट वाइज सेकेंड नंबर पर रखा हुआ है, और इसमें जो है मैंने रखा है BBAU, ठीक है, ये लखनऊ का विश्वविद्यालय है। ध्यान देना कि इसमें तो भाई मैं परसेंटेज से अलग बियॉन्ड जाके बात कर रहा हूं, 40-100 नंबर पे एडमिशन हो जाता है। आप सोचोगे कैसे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एक रिजर्व यूनिवर्सिटी है, ST SC के लिए स्पेशल बनाया गया है, यहाँ पे 100 में से 80 सीटें SC और ST को दिया जाएगा और 20% पे जनरल OBC जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये ST SC वालों के लिए है, लगभग 40-100 नंबर लाने पे भी कोर्स वाइज जाके आप देखो। और दिमाग मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक एक बच्चा अपने आप को आज एकदम सेफ फील करा ले, अपने आप को सोच ले मुझे इधर जाना है, अपन को तो इसी में जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ एडमिशन मिलने की क्या है संभावनाएं नजर आ रही है, पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा हुआ है, अक्सर कॉमेंट में आता रहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली वाला, तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, अब इसका मास बताऊंगा कितने पे होगा। यहाँ पे एक और है आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, और उसके बाद हरियाणा यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे पंडुचेरी यूनिवर्सिटी, और ये है हमारा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। इसमें कई सारे यूनिवर्सिटीज आते हैं, मैं बताऊंगा, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हिल्स एरिया के जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो बच्चे इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी का भी मैं इंट्रोडक्शन कर दिया हूँ टॉप सेकंड लिस्ट में, ठीक है। और ये है आपका सिक्किम यूनिवर्सिटी और ये है पंजाब यूनिवर्सिटी, ये मैंने नोट किया है सेकंड लिस्ट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज में। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि लगभग 50-60% ऑफ टॉपर टोटल, यानी 50-60% 300 में से अगर आप लाते हो परसेंटेज वाइज, यानी कि लगभग कितना मैं बोल रहा हूँ, 140 से, वो वहां पे एफिलेटेड की बात किया था मैं, क्योंकि पैरेलल चल रहा है ना, जरूरी थोड़ी नहीं है कि बच्चा एक बार पहले टॉप में जाएगा फिर बच्चा सेकंड लिस्ट में जाएगा, पैरेलल चल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 50-60% पे या टॉपर्स का 60% पे हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन ले सकेंगे। तो प्लीज अपना नंबर जल्दी से काउंट करो और आप देखो कि क्या आप इस परसेंटेज में आते हो, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अपनी जो है निगाहें टिकाए रखो। और इन यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी चूज कैसे करना है, मैं ऐसे स्पेशल वीडियो बनाया था यूनिवर्सिटी चूज क्यों करना है, कैसे करना है, आप ये देखो कौन से मेरे नेटिव एरिया में है, यानी कहाँ का ट्रांसपोर्ट हमारे घर से इजली है, आना जाना आसानी से हो जाए, ट्रेन अवेलेबल हो, या फिर वहां पे 4-व्हीलर जाने का रास्ता हो या 2-व्हीलर जाने का रास्ता हो, मतलब ये चीजें भी देखना पड़ता है। फिर आप देखो कि हाँ हमारा इन्वायरमेंट वहां रहने लायक है कि नहीं है, तमाम चीजों के अकॉर्डिंग हमें ये सब चूज करना चाहिए। सब्जेक्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, यानी उस यूनिवर्सिटी में हमारा सब्जेक्ट्स है कि नहीं, फ्यूचर प्लानिंग भी देखो कि हाँ वहां जाने के बाद हम मास्टर्स भी वहीं से करना चाहते हैं, तो वहां वो मास्टर्स का कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, ये तमाम चीजें हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज जो है कहीं ना कहीं जिसमें बता दिया कि BBAU जो है वो 40-100 नंबर पे भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, ये पता है क्या, वर्धा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखा हुआ है, वर्धा समझते हो कौन सा यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय, भाई ये हिंदी के लिए बहुत, इंडिया में समझ लो कि एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी, BHU और तीसरे नंबर पे ये, या तो कभी कभी इसको फर्स्ट पे भी जोड़ सकते हो, हिंदी के लिए स्पेशल है, पहाड़ों बनाया गया पश्चिमी घाट पे, क्या मस्त यूनिवर्सिटी है, क्या मस्त इन्वायरमेंट है, मतलब एकदम दिल मस्त हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। मैं तो कहूंगा कि इन सब में भी एक्सप्लोर करना चाहिए आदमी को। और यहाँ पे आपको मात्र 120 से 90 नंबर पे एडमिशन मिल सकता है कुछ कोर्सेज में, आप जाओ देखो अपने कोर्स को, देखो वहां पे कोर्स है कि नहीं, और आप इन यूनिवर्सिटी को टारगेट करो और अप्लाई करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, मेरा ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, अब मिलेगा सबको एडमिशन, ठीक है। तो यही मैं यही पे सोचा था कि बोलूंगा भाई आ जाओ जल्दी से आ जाओ, अब यहाँ पे होने वाला है सबका एडमिशन। तो फाइनली यहाँ पे आपको बहुत ही आंखें खुली रखनी है, क्योंकि मैं जितने यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस कराऊंगा उसकी खास बात भी बताऊंगा और ये बताऊंगा कितने कम नंबर पर एडमिशन हो सकता है, ठीक है। लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज भाई डिस्कस करने जा रहा हूँ और स्टार्टिंग में लिख दे रहा हूँ 40+ पे एडमिशन होगा, कितने पे, 40+ पे एडमिशन होगा भाई, यहाँ पे सबको एडमिशन मिलने वाला है, 40+ पे एडमिशन होने वाला है। अब कैसे होगा ध्यान देना, जितने भी व्हाइट कलर में है, कौन कौन सा, गुजरात यूनिवर्सिटी और ये है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और ये है आपका केरला यूनिवर्सिटी
और ये है एक गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, ध्यान देना, और डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ये जितने व्हाइट वाले हैं इनको इनमें एडमिशन लेने के लिए 100 नंबर से ज्यादा लाना पड़ेगा। कितना? 100 से ज्यादा, यानी ये 40 नंबर मैंने लिखा है पीले वाले के लिए। ये चार यूनिवर्सिटी, आप 100 नंबर से ज्यादा हो तो ट्राई कर लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, एनवायरमेंट वाइज अच्छी है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आसाम यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ओडिशा यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी और तेजपुरा यूनिवर्सिटी। अब इन यूनिवर्सिटी में अगर आप 40 नंबर लाए हो तो आप ट्राई मार सकते हो, मात्र 40 नंबर अगर लाए हो तो आप ट्राई मार सकते हो। ध्यान देना कि एसटी और एससी वाला तो 100% ट्राई मार सकता है, ओबीसी वाला भी लगभग 70% ट्राई मार सकता है, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो थोड़ा कम ट्राई मारे। तो ये यूनिवर्सिटी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे अपनी निगाहें गड़ाए रखना जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। अच्छा हाँ, इस वीडियो में बताऊंगा किसका किसका स्टार्ट हो चुका, कुछ लोग का इसमें स्टार्ट हो चुका रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो ये यूनिवर्सिटी आप अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जैसे जैसे स्टार्ट होगा मैं बताऊंगा कहां रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और वहां जाके अप्लाई करना, ठीक है। कितने नंबर पे? 40 नंबर पे एडमिशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये यूनिवर्सिटी है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, ये है साउथ बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार वालों के लिए, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी बिहार वालों के लिए, और ये यहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी, ठीक है, नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। ये झारखंड यूनिवर्सिटी है। अब भाई देखो, झारखंड में तो लास्ट टाइम 50 प्लस पे एडमिशन हुआ है, आप 14 नंबर पे भी किसी का एडमिशन हुआ है। जो बच्चा भी झारखंड का है और वो झारखंड में पढ़ना चाहता है, लड़का हो या लड़की, अगर 50 नंबर से ज्यादा है तो झारखंड के लिए सोच सकता है। आप झारखंड यूनिवर्सिटी में जाओ, सीयूटी के पोर्टल पे जाओ और वहां पे झारखंड में जाओ, अपने कोर्स की लिस्टिंग करो और देखो 50 नंबर आया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखी है इन सबके लिए भी बस 40 नंबर चाहिए। कितना नंबर? 40 नंबर पे आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मैंने इसका अलग से लिखा हुआ है। कारण ये है, ये यूनिवर्सिटी अभी रिफॉर्म हुआ है, थोड़ा सा इसका लुक बड़ा अच्छा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक लास्ट आर्टिकल मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा कन्वोकेशन सेलिब्रेट किया गया, तो मैंने इसके मार्क्स बढ़ा दिए, 90 मार्क्स कर दिया है। और मैं बताया कि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे अप्लाई भी तो करेंगे भाई। लोगों के दिमाग में बस BHU DU JNU तो चलता है। अगर आज इतने सारे यूनिवर्सिटी आपके सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं आदमी क्या करेगा, अब यहाँ भी ट्राई करना चाहिए। तो ये वाले थॉट आ रहे हैं भाई, यहाँ भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, अरे यार मेरे घर के पास है, मेरे मामा के घर के पास है, अरे ये मेरे फूफा के घर के पास है, तो कहीं ना कहीं आदमी इन सब चीजों को लिंक करके इन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहेगा, तो कटाव बढ़ भी सकता है। महात्मा गांधी लुक वाइज अच्छा यूनिवर्सिटी है, ये एक्सप्लोर कर रहा है, बन रहा है, अच्छा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 90% जा सकता है। 90 प्लस में हो तो आप महात्मा गांधी में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिस्कशन करना बेहद जरूरी है। अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मेरे पीछे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट नजर आ रही है, जितने भी ये यूनिवर्सिटीज हैं, पहली बात तो एलो वाले जितने यूनिवर्सिटीज हैं ये 40 नंबर प्लस में आपको एडमिशन दे सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, और व्हाइट वाले लगभग 90 नंबर 100 नंबर पे आपको एडमिशन दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि येलो वाले यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे लगभग 90-100% हॉस्टल अकोमोडेशन, यानी यहाँ पर एडमिशन लोगे तो हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि रहन सहन के साथ पढ़ाई हो तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो आपको यहाँ रहने का व्यवस्था मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पे रहने का व्यवस्था नहीं है क्या, इन यूनिवर्सिटीज में रहने का व्यवस्था नहीं है क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि BHU जो है वो अपने आप में टॉप रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। भाई यहाँ पे भी रहने का व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे क्या है ना कि परसेंटेज डिसाइडेड है, यानी 100 में से 30 बच्चा को ही रहने की व्यवस्था दी जाएगी, सबको नहीं दी जाएगी। JNU तो 100% देता है, लेकिन BHU 100 में 30 ही लोग को देगा, DU भी लिमिटेड लोग को देगा या कुछ में देगा ही नहीं। तो भाई ऐसे में आपको ध्यान देना है कि ऐसे यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे आप BBAU है भाई, यहाँ रहने की सुविधा दे रहा है, आराम से आप हॉस्टल इनका मिलेगा, आप वहां जाके रहो। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो कि अपने यहाँ रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, ठीक है, रहने की व्यवस्था दे रहे हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज में जाओगे आप आराम से रिलैक्स होकर रहो। अब बात आती है कि सर आप इतने कम नंबर पर एडमिशन करा रहे हो, आप 40 नंबर पर एडमिशन करा रहे हो, ये बताओ यहाँ पढ़ाई उड़ाई? भाई आयोग से टीचर आते हैं, यही BHU DU JNU का पढ़ा हुआ ही प्रोफेसर यहाँ जाके पढ़ा रहा है। ऐसे बड़े स्कॉलर्स, बहुत अच्छे पढ़े हुए लोगों को रिकमेंड किया गया यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए, हल्के मत लेना। ऐसा नहीं है मोहल्ले कॉलोनी के उठा के किसी भी लोग को यहाँ उठा रख दिया गया पढ़ाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोग से बकायदा उन लोगों ने अपनी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए वहां तक पहुंचे हुए, बढ़िया नॉलेज है। आप बिलीव नहीं करोगे, BBU का ऐसा रिव्यू है कि प्रोफेसर बुलाता है पढ़ने के लिए, शांति निकेतन। यहाँ पे मैं कुछ यूनिवर्सिटी जो डिस्कस कर रहा था, जैसे अब ये यूनिवर्सिटी है,
ठीक है, ये वाला विश्व भारती, हाँ कोलकाता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में साल कलकत्ता के कुछ और बोल दिया, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब ये दो यूनिवर्सिटी ले लो भाई, यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, बहुत ही एकदम पीसफुल एनवायरमेंट मिलता है। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन हम लोग करेंगे कि सर ये कट ऑफ कैसे डिसबैलेंस हो सकता है। डिसबैलेंस करने का मतलब है कि बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ भाई, हर कोई इधर ही जाएगा तो ये ज्यादा डिसबैलेंस होता है। मैं चाहता हूं कि इसको बैलेंस किया जाए, इस डिसबैलेंस को डिसबैलेंस करके बैलेंस किया जाए, मेरी बात समझ गए। तो ये ऐसे हो सकता है अगर हम लोग ऐसे अवेयरनेस वीडियो बनाएं कि हमारे पास, अगर आपके घर के पास ये सब यूनिवर्सिटीज हैं, विश्व भारती हो गया, कलकत्ता हो गया, हाँ, तो आप इन यूनिवर्सिटीज में अगर जाओगे तो ये बच्चे जो टॉपर हैं इधर से निकल के इधर भी जा सकते हैं, जो टॉपर हैं वो एरिया वाइज इधर भी लोग इधर भी चूज कर सकते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस ही ऐसा एक मीडियम है जिससे कि बस DU BHU JNU बारे बच्चे नहीं सोचेंगे। देखो मैं लोगों का भला चाहता हूं, मैं पता क्या सोचता हूं कि यूनिवर्सिटीज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए। अगर हमारे देश में आज 40 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और 190 यूनिवर्सिटी CUT में आज पार्टिसिपेट कर चुकी हैं तो लोगों को हर जगह सोचना चाहिए, लेकिन किस बेसिस पे, अपने एरिया वाइज, अपने कोर्स के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं उस यूनिवर्सिटी में, और ये देखो कि यूनिवर्सिटी की फीस कैसी है, हम अफोर्ड कर सकते ही नहीं, होता है ना कि हमें उतना ही पैर पसारना चाहिए जिन्हें हमारा चादर के बाहर पैर ना जाए। तो मैं चाहता हूं कि भाई हम लोग बढ़िया पढ़ाई करें लेकिन कम पैसे में कर ले। मैं तो पैसा फ्री आपको एजुकेशन चाहता हूं, मैं आज तक फ्री में ही पढ़ता आया हूं, मेरे BHU में भी लगभग मुश्किल से 12-13 हज़ार रुपए लगे होंगे, वो भी मैं अगर स्कॉलरशिप डाल देता तो मुझे पैसे उल्टा मिल जाते, लेकिन मैंने भरा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को भी ऐसा ध्यान देना चाहिए कि आप अपने पेमेंट के हिसाब से जाओ। देखो अभी मैंने एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिस्कस नहीं किया, मैं आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं जितने भी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं ये TIS वगैरह इन सबको भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे जो चाहेंगे कि सब प्राइवेट भी डिस्कस कीजिए। तो भाई DU में जाने से पहले समझ लेना कि एक बच्चे पे कम से कम 10,000 कम से कम 10K महीने का आएगा, अगर इतना अफोर्ड कर सको तभी जाना, बाकी मत जाना, और किसी प्रकार का ये सब बीमारी होगा तो भी मत जाना, एनवायरमेंट भी सही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं ये वीडियो क्यों बना के दे रहा हूं, क्योंकि आप जानो, जग जाओ, जागरूक हो जाओ, इन विश्वविद्यालयों के बारे में जानो और हर पॉसिबिलिटीज को देखो, क्योंकि पढ़े हर कोई लेकिन सही जगह पढ़े, ब्लाइंडली बस JNU के पीछे ना भागे, क्योंकि JNU में सीटें ही कम है, हर किसी को एडमिशन JNU नहीं दे सकता है, हर कोई BHU के पीछे ना भागे, सीटें लिमिटेड है, हर किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन कहीं जगहों पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो प्लीज ध्यान दो कि जहां एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है वहीं पर भागो, चीजें बहुत जगहों पे सही है लेकिन वहां लोग नहीं जा रहे, सस्ती है लोग नहीं जा रहे, और आपके पास पैसे कम है, आप जाके खरीद के खरीद खा सकते हो, तो ऐसा दिमाग लगाओ। तो वीडियो मैंने बहुत लंबा कर दिया, लेकिन वीडियो आई होप कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, तो प्लीज इन यूनिवर्सिटीज पे जाके ध्यान लगाना। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ये महात्मा गांधी, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप महात्मा गांधी के पोर्टल पे जाके, एक बिहार में यूनिवर्सिटी है, आप इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगर आपका नंबर कितना है, लगभग 100 नंबर से ज्यादा है तब, हाँ लेकिन ध्यान देना, लेकिन जिसके मार्क्स बहुत हाई है वो मत करना, क्योंकि फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करोगे, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, और मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आप शेयर जरूर करोगे, अपने स्टेटस पे प्लीज लगाइएगा जिससे लोगों को दिमाग में एक अवेयरनेस जाए, ये वीडियो आप शेयर करोगे तो आपको फायदा होगा, लोग अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, तो एक ही जगह गैदरिंग नहीं होगा तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। प्लीज सपोर्ट करिएगा, जिनको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव।